नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की रीवा में 110 नशीली कफ सिरप के साथ लाखों रुपए बरामद। जिला पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब सूचनाएं वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने लगी हैं। इसी तरह की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 110 सीसी नशीली कफ सिरप और लगभग 7.5 लाख नकदी बरामद की है। दरअसल चोरहट्टा थाना क्षेत्र के नरोरा पहुंच से पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस को कार्यवाही का निर्देश दिया गया, जिसके बाद चोरहट्टा थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने अपनी टीम के साथ दबिश दी, जहां से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप और नकदी बरामद हुई है। माना जा रहा है कि स्थानीय पुलिस की शह से अवैध मादक पदार्थों का कारोबार फल फूल रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर मिलने के बाद अब लोग सीधे सूचनाएं देने लगे हैं, जिसके चलते कार्यवाही की जा रही है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। ये नरोरा गांव है रीवा सतना के बॉर्डर पे। वहाँ लगातार वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध कार्य किया जा रहा है। कल अपना जो नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा, और उसके पालन में पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ और बहुत सारी जानकारियाँ मिली उसके संबंध में। पुलिस द्वारा टीम बना के उस पर कार्रवाई की गई, तो कल हम लोगों को 110 सीसी ओरेक्स तथा वहीं साथ में करीबन 7.5 लाख रुपया कैश मिला है, जो जब्त किया गया है। ये पैसा किस चीज़ के लिए रखा था? ये पैसा अब कोरेक्स के साथ है तो उसी अवैध धंधे के लिए ही रखा गया है। बाकी फरिया जब आरोपी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे अपना जवाब, उसके हिसाब से काम होगा। कहाँ से कहाँ लाई जा रही है? कोरेक्स घर में ही मिली है, बेचने के उद्देश्य रखी हुई थी उसके पास, कहीं से